हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी मैं डॉक्टर आशीष पंचाल योर बायोलॉजी नीट गुरु आज एक नए टॉपिक के साथ हम बात करने वाले हैं और वो है वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज़ ऑफ द लंग्स पल्मोनरी वॉल्यूम तो पहले तो बात करते हैं कि पल्मोनरी वॉल्यूम क्यों मेज़र करना है तो बेटा लंग फंक्शन जानने के लिए पल्मोनरी वॉल्यूम्स मेज़र करते हैं लंग्स कैसे काम कर रहे हैं वो जानने के लिए पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड द लंग्स वॉल्यूम मेजर करते हैं सो फ्रॉम विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम सो द रेस्पायरोटर इज यूज टू मेजर द पल्मोनरी वॉल्यूम और दंग्स वॉल्यूम मेजर करने के लिए बेटा हम रेस्पिरोमीटर यूज करते हैं नाउ फर्स्ट वन इज द टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड ब्रीद आउट जो हम एयर लेते हैं और निकालते हैं नॉर्मलिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज नॉन एज दाइडल वॉल्यूम मतलब यहाँ पर ग्राफ में मैं बताता हूँ बेटा ये नॉर्मल ब्रीदिंग नॉर्मल एक्सपीरेशन नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपीरेशन तो आप जो नॉर्मल ले रहे हो नॉर्मल निकाल रहे हो ओके दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम और वो कितना होना चाहिए बेटा 500 हंड्रेड पर ब्रीथ होना चाहिए और एक मिनट में 12 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं तो 6000 थाउजेंड होता है बेटा ओके तो ये हो गया बेटा आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपीरेशन दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम यहाँ मैंने वन रिप्रेजेंट किया दैट इज टाइडल वॉल्यूम टू लीटर से थ्री लीटर तक बेटा दूसरा पॉइंट हम करते हैं बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा अमाउंट ऑफ एयर ब्रीद इन बाय फोर्सफुली ओवर एंड अबो नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब बेटा आप नॉर्मल एक बार इंस्पायर किया नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप कितना फोर्सफुली एयर ले सकते हो जैसे कि मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया अब मैं फोर्सफुली ले रहा हूं के okay, यानी ये मेरा नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैंने फोर्सफुली एयर लिया तो ये यहां से लेके यहां तक जो मैंने एयर लिया दैट इज़ नोन एज द आई आर वी तो ये जो हुआ बेटा दैट इज़ आई आर वी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वो कितना होना चाहिए बेटा थ्री थाउजेंड एम एल तो देखो थ्री लीटर से सिक्स लीटर इंसपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा वैसे ही हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो बेटा देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है वही चीज बेटा पर एक्सपीरेशन के लिए अमाउंट ऑफ एयर ब्रीद आउट यानी हम बाहर निकालते हैं बाय फोर्सफुली ओवर एंड अबो नॉर्मल एक्सपीरेशन यानी बेटा मैंने ये मेरा नॉर्मल एक्सपीरेशन है राइट ये मेरा नॉर्मल एक्सपीरेशन है यहाँ से यहाँ तक उसके बाद मैं फोर्सफुली जो एयर निकालता हूं ये वाला दैट इज नोन एज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहां से यहां तक बेटा तो ये वाला जो पॉइंट हुआ बेटा ये टू नंबर का है यहां से लेके यहां तक दैट इज द द्री एंड इट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सो यहां मैं थ्री लिखता हूं एक्सपाई रेटरिंग रिजर्व वॉल्यूम ई आर वी और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए बेटा करीबन टू पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फाइव हो गया मीन वन थाउजेंड जितना होगा वन थाउजेंड इलेवन हंड्रेड जितना होगा बेटा ओके तो देखो यह तीन पॉइंट टाइटल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर ब्रिदिंग विदाउट नॉर्मली टरी रिज वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल लेने के बाद आप फोर्सफुली कितना ले सकते हो दैट इज नोन एज आई आर वी इरवी मतलब बेटा नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद आप फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हो दैट इज दी ई आर वी ना अब फोर्थ है बेटा रेसिड्यूअल वॉल्यूम आर वी क्या है बेटा रेसिड्यूअल वॉल्यूम आरवी तो रेसिडियल वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स ध्यान से सुनना बेटा अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर आफ्टर फोर्स एक्सपीरेशन एंड उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा एलेवन हंड्रेड से लेके कर ट्वेल्व हंड्रेड एम एल कितना होगा एलेवन हंड्रेड से लेके कर ट्वेल्व हंड्रेड और फिफ्टीन हंड्रेड भी हम लिख सकते हैं बेटा मीन्स देखो बेटा आफ्टर फोर्सफुली मैंने एक्सपायर कर दिया उसके बाद जो लंग्स में बेटा जो एयर बचा वो तो मैंने फोर्सफुली एक्सपायर कितना किया इतना मेरा फोर्सफुल एक्सप्रेशन है बेटा ये वाला मेरा फोर्सफुल एक्सप्रेशन है फिर भी इतना एयर मेरे लंग्स में रह जाता है तो ये जो वॉल्यूम है बेटा यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये वाला

इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैंने नॉर्मली एयर लिया उसके ऊपर मैं कितना फोर्सफुली एयर ले सकता हूँ नॉर्मली एयर निकाला उसके ऊपर मैं कितना फोर्सफुली निकाल सकता हूँ दैट इज माई आर वी दैट इज हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड एंड आर वी का मतलब मैंने फोर्सफुली एयर निकाल दिया उसके बाद जो लंग्स में जो एयर बचेगा दैट इज नोन एज आवर आर वी बेटा ओके ना अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कैपेसिटीज की बात करते हैं ये सब वॉल्यूम थे अब कैपेसिटीज तो कैपेसिटी में पहले है बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आप कितना इंस्पायरेशन कर सकते हो सो दैट इज सिंपली आप टीवी नॉर्मल एयर ले सकते हो उसके ऊपर आप कितना ले सकते हो आई आर वी तो ये कितना हुआ बेटा फाइव हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड टोटल कितना होगा बेटा आपका थ्री फाइव डबल ज़ीरो एम एल यानी ग्रीन पेन से बेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ देखो ये मेरा जो है ना ये वाला पॉइंट यहाँ से अभी मैं जाने देता हूँ ये वाला ग्रीन लाइन से जो मैं कर रहा हूँ ये अभी ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा तो ये क्या हुआ बेटा यहाँ आपका ये जो पॉइंट है टोटल आई आर वी एंड टीवी दिस इज द टीवी एंड दिस इज आई आर वी तो ये जो टोटल है यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा यहां से लेके यहां तक ये क्या हुआ बेटा आपका आईसी फिफ्थ नंबर का आईसी दैट इज इंस्पायरेटरी कैपे सिटी यानी फोर्सफुली आप कितना एयर इंस्पायर कर सकते हो तो मैं कितना कर सकता हूं बेटा नॉर्मल और

ई आर वी क्या होगा बेटा टी वी प्लस ई आर वी में फाइव हंड्रेड एम एल प्लस मैं यहाँ से एक वॉल्यूम रख देता हूँ बेटा थाउजेंड रख देता हूँ तो दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड एम एल जितना होगा बेटा कितना होगा फिफ्टीन हंड्रेड एम एल ओके तो ये जो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बेटा तो आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा बेटा यहाँ पर देखो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है क्योंकि ये आपका नॉर्मल है और ये फोर्थफुली निकाला है तो ये क्या होगा ईसी सिक्स नंबर का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दैट इज ई सी बेटा ये होगा बेटा आपका अब उसके बाद है बेटा थर्ड फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपे सीटी बेटा क्या है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफ आर सी बेटा यहां ध्यान रखो बेटा अमाउंट ऑफ एयर अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन सिंपल बेटा आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन जितना एयर लंग्स में रहता है उसको बोलते हैं बेटा एफ आर सी तो यहां देखो बेटा ये नॉर्मल एक्सपीरेशन यहां है इतना बेटा आपका नॉर्मल एक्सपीरेशन है तो इतना एयर बचता है तो दिस इज नोन एज दफ आर सी सेवन नंबर का बेटा आपका एफ आर सी हो गया तो सेवन इज एफ आर सी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ओके और वो कितना होगा बेटा अराउंड टू फाइव डबल हंड्रेड एम एल बेटा सो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन दट इज एफ आर सी अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सप्रेशन दैट इज योर आर वी बेटा क्लियर अब उसके बाद है बेटा फोर्थ पॉइंट पे वाइटल कैपेसिटी दैट इज वी सी तो बेटा वाइटल कैपेसिटी वीसी का मतलब क्या हुआ बेटा दैट इज योर टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी ई आर वी मीन्स ऑल आप का बेटा आप सम कर दो यानी ये वाला बेटा ये जो आप ले रहे हो ना ये आपने फोर्सफुली लिया फोर्सफुली निकाला फोर्सफुली लिया और फोर्सफुली निकाला दिस पॉइंट इज नोन एज योर वाइटल कैपेसिटी मीन्स वाइटल कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ एर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ड्यूरिंग फोर्स रेस्पिरेशन यानी फोर्स रेस्पिरेशन के दौरान बिना हम जो एयर लेते हैं और निकालते हैं लेते हैं निकालते हैं वो हो गया तो फाइव हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस ERV तो ये कितना हुआ बेटा इसका होगा 500 हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड हंड्रेड प्लस थाउजेंड तो कितना होगा बेटा ये हो गया फोर फाइव डबल जीरो एम एल बेटा और लास्ट बेटा टोटल लंग कैपेसिटी फिफ्थ नंबर का बेटा टोटल लंग कैपेसिटी बेटा टोटल लंग कैपेसिटी में क्या करना है ये वी सी प्लस आर वी यानी ये ये देखो ये वी सी है बेटा अभी मैं यहाँ पर ब्लू लाइन से बता रहा हूँ दैट इज वी सी ये आपका पूरा वी सी है बेटा और एट नंबर का वी सी प्लस ये आर वी तो ये वी सी प्लस आर वी यानी सब कुछ मिला दे बेटा तो यहाँ ये वाला टॉप टू बॉटम दैट इज टी एल सी इट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी बेटा इट इज़ योर टोटल लंग कैपेसिटी और वो कितना होगा बेटा तो वो होगा आपका बेटा कितना होगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स यहां पर बेटा मैं ग्राफ में एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो यहां पर ग्राफ में ध्यान से देखना बेटा सारे कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स ग्राफ में है बेटा ओके चलिए देखो ये नॉर्मल इंस्पिरेशन 500 हंड्रेड लिया 500 हंड्रेड निकाला 500 हंड्रेड लिया 500 हंड्रेड निकाला दैट इज नॉन इज वॉल्यूम क्लियर अब मैंने 500 हंड्रेड लिया नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैंने फोर्सफुली जो एयर लिया ये वाला दैट इज योर आई आर वी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और वो कितना होगा बेटा 3000 थाउजेंड लीटर थ्री थाउजेंड फिर बाद में बेटा मैंने ये नॉर्मल एक्सप्रेशन किया और फोर्सफुली एक्सप्रेशन जो निकाला दैट इज नोन इज योर ई आर वी बेटा और ये जो आपका ई आर वी है बेटा वो होगा करीबन थाउजेंड एम एल फिर फोर्सफुली निकालने के बाद बेटा जो एयर लंग्स में बच जाता है उसको बोलते हैं बेटा आर वी क्या बोलते हैं आर वी अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड आर वी एंड इट इज अराउंडीन हंड्रेड एम एल फिर नेक्स्ट कैपेसिटी की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट कैपेसिटी बेटा आपका आईसी आईसी यानी एयर ले रहे हो और फोर्सफुली जो ले रहे हो दोनों का सम कर दो इज आईसी वैसे बेटा फोर्सफुलसी आप जो नॉर्मल एयर निकाल रहे हो और फोर्सफुली निकाल रहे हो दोनों का सम कर दो बेटा दैट इज ई सी उसके बाद है बेटा रेस फंक्शनल कैपेसिटी मतलब आप जो नॉर्मली एयर निकालते हो उसके बाद जो लंग्स में बेटा एयर बच जाता है उसको बोलते हैं एफ आर सी तो ये हो गया बेटा आपका एफ आर सी नॉर्मली आपने इतना एयर निकाला और जो बचा दैट इज एफ आर सी अब बेटा वी सी वी सी का मतलब बेटा आप फोर्सफुली ले रहे हो फोर्सफुली निकाल रहे हो मतलब ये लिया निकाला लिया निकाला यानी ये आई आर वी ई आर वी एंड टी वी सब प्लस करो तो दैट इज नॉन योर वी सी बेटा एंड लास्ट में बेटा टोटल लंग कैपेसिटी मतलब आप आपका वीसी लो और जो लंग्स में जो वॉल्यूम बचाए सब पूरे लंग्स यानी पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वॉल्यूम है टोटल लंग कैपेसिटी एंड इट इज अराउंड सिक्स थाउजेंड एम एल बीटा क्लियर सो दिस्यूम एंड ऑफ लंग्स थैंक यू हैव अ गुड डे